नमस्ते, वेलकम बैक। तो आज पाउटर रस्सा की सब्जी बनाएंगे। इसे अंग्रेजी में लीमा बीन्स भी कहते हैं। तो सबसे पहले सामग्री देख लेते हैं। पाउटा बीन्स, नारियल कसा हुआ, एक बारीक कटा हुआ आलू, कुछ मूंगफली के दाने, रेगुलर मसाले, टमाटर, प्याज और अदरक लहसुन की पेस्ट और कुछ धनिया पत्ता। तो सबसे पहले कढ़ाई में थोड़ा सा तेल ले लेंगे, उसमें अपने पाउटा बीन्स डाल देंगे। लीमा बीन्स जो है उसको एक मिनट तक रोस्ट कर लेंगे। एक मिनट तक रोस्ट करने के बाद उसको निकाल लेंगे प्लेट में। और सेम कढ़ाई में एक चम्मच मूंगफली के दाने ले लेंगे। ये बाटन के लिए ले रहे हैं जिसकी पेस्ट बनानी है। एक चम्मच मूंगफली के दाने और थोड़ा सा नारियल। आपके पास अगर कसा हुआ नारियल नहीं है तो आप टुकड़े भी इस्तेमाल कर सकते हैं नारियल के। दोनों को अच्छे से भून लेंगे और की पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट में हम थोड़ा सा धनिया पत्ता यूज करेंगे। सेम कढ़ाई में अभी दो चम्मच तेल डालेंगे। तेल गरम होने के बाद इसमें राई जीरा डालेंगे। राई जीरा तड़कने के बाद उसमें बारीक कटा हुआ प्याज बड़ा एक और अदरक लहसुन की पेस्ट डाल के भून लेंगे अच्छे से। जब प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाए तब उसमें अपनी पेस्ट डालेंगे नारियल और शेंगदाने की और अच्छे से भून लेंगे। पेस्ट अच्छे से भून जाए तब उसमें आप एक बारीक कटा हुआ टमाटर डाल देंगे। ये ऑप्शनल है, आप नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा। और फिर उसके साथ मसाले, तो यहाँ पे धनिया जीरा पाउडर, मैंने यहाँ पे मटन मसाला यूज़ किया है और थोड़ा सा गरम मसाला, हल्दी, नमक और मिर्ची पाउडर। आप अपने स्वादानुसार मिर्ची कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसको अच्छे से भून लेंगे। फिर उसमें एक बारीक कटा हुआ आलू और पाउटा बीन्स डाल देंगे और अच्छे से तेल में भून लेंगे। उसके बाद इसमें आपको जितना रस्सा चाहिए, जितना करी में चाहिए पानी, उतना पानी इसमें डाल दीजिए। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ही पानी इस्तेमाल किया था, आधा ग्लास के करीब। उतने में मेरी सब्जी पक जाएगी। ढक के इसको 5 से 7 मिनट तक के लिए पका लूँगी। सब्जी पक गई है, आलू चेक कर लेते हैं। बीन्स पक गई है, आलू भी अच्छे से कट गया है और ऊपर से धनिया पत्ती डालकर गार्निश करेंगे। आप भी सब्जी बनाइए, कैसी लगती है बताइए। अपनी सब्जी रेडी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और सब्जी ज़रूर बना के देखिएगा, बहुत ही अच्छी बनती है। आप इसको पराठे के साथ खा सकते हैं।